हेलो फ्रेंड्स, इस फादर्स डे के शुभ अवसर पे मैं अपनी फादर्स की स्टोरी और खुद की आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी कभी बच्चा था और मेरे भी पापा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मुझे पार्क ले जाते थे, मुझे झूला झूलाते थे। किसी ना भी किसी तरह से मेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहते थे, मुस्कान देखना चाहते थे। कभी अपनी गोदी में लेकर मुझे खेलते तो कभी मुझे उछालते। बस यही दिन आज बहुत याद आता है दोस्तों। वो पापा के साथ मस्ती, वो पापा के साथ एंजॉयमेंट अब कहाँ है दोस्तों। मेरी छोटी से छोटी बातों पे हर समय मुझे खुश देखना चाहते थे। बस अपने कभी भी वो मुझे बुलाते मैं फौरन दौड़न चला जाता उनके पास। उनके लिए तो जानो मैं ही उनका संसार हूँ, मैं ही उनका दुनिया हूँ, मैं ही उनका जन्नत हूँ। बहुत प्यार करते थे मुझे। छोटी सी छोटी बात उनके लिए बहुत बड़ी लगती थी। जब भी मैं चलते हुए कहीं नीचे गिरता था वो मुझे संभालने के लिए थे और मुझे किसी भी तरह का दर्द नहीं था, किसी भी तरह का गम नहीं था, क्योंकि पापा मेरे साथ थे। लेकिन दोस्तों, मेरे बड़े होने पर मेरे 20 साल बाद की स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे पापा बड़े तो हो गए हम, लेकिन उन्होंने अब भी मुझसे कुछ सच नहीं कहा। हमेशा मुझसे झूठ बोलते थे, हमेशा मुझे एक ही बात को बोलते थे। मैं जब भी उन्हें पूछता कुछ हुआ है पापा, वो एक ही बात बोलते थे, नहीं बेटा। लेकिन उन्हें एक बहुत ही भयानक बीमारी हो चुकी थी। वो अपना दर्द मुझसे नहीं शेयर करते थे, अपने आप ही में रख लेते थे। एक दिन अचानक ऐसा आया, मेरी जॉब US में लग गई और मैं अपने पापा से पूछा, पापा मैं जाऊं? उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा मत जाओ। रुकना बहुत चाहते थे दिल से, लेकिन वो बोल ना सके। और रोज मेरे लिए डायरी लिखते थे, रोज अपनी जो भी फीलिंग होती थी डायरी में शेयर करते थे। एक दिन अचानक मैंने उनसे पूछा, पापा ये आप हमेशा क्या लिखते रहते हो डायरी में? उन्होंने बहुत ही प्यार से, प्यार भरे मुस्कान से, हाँ बेटा अभी तुम नहीं समझोगे, जब बड़े हो जाओगे ना तब पढ़ना तुम्हारे लिए। और कभी भी मैं उनको कॉल करता था वो कभी ये नहीं कहते थे कि वो बीमार हैं, सिर्फ एक ही बात कहते थे, बेटा तू अपना ध्यान रख, तू खुश है ना। कभी भी अपनी बीमारी का चर्चा मेरे साथ शेयर नहीं करते थे। मैं तो बता भी नहीं सकता क्योंकि वो मुझे शेयर नहीं किए थे। वो छोटी सी छोटी मेरा दुख नहीं देख सकते थे और खुद इतनी बड़ी भयानक बीमारी अकेले लेके बैठे थे बिना शेयर के। पापा एक बार तो बता दिए होते, हमेशा एक ही बात कहते, बेटा तू खुश रह, मेरी चिंता मत कर। घर में अकेले परेशान रहते थे। तभी मेरी नौकरी से छुट्टी हुई और मैं सोचा अपने पापा से मिलने जाऊं। उस दिन मैंने उन्हें बहुत कॉल किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन जब भी कॉल करता उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता था। मैंने सोचा छोड़ो, मैं डायरेक्ट घर पे जाकर उन्हें सरप्राइज दूंगा। तो मैं भी खुश था, सोचा घर पे जाकर सरप्राइज दूंगा। तो मैं उस दिन US से लौटा, इंडिया आया
बहुत एक्साइट था अपने पापा से मिलने के लिए। मुझे अपनी एक्साइटमेंट पता चल रही थी, मैं कितना एक्साइट हूँ। और मेरा घर आ गया, मैं घर में दरवाज़ा नॉक किया और अपने पापा से पूछा, पापा मैं आ गया, पापा मैं आ गया, पापा मैं आ गया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और वो अपने इस परेशानी से अकेले ही चल बसे। और उन्होंने अपना दर्द, अपना दम गम अपने साथ लेकर चले गए। पापा एक बार तो बता दिया होता, पापा पापा एक बार तो बता दिया था। मैं बस उस समय यही सोच रहा था, एक बार उठ के पापा गले लगा लो, एक बार तो अपने बीमारी का चर्चा मुझसे कर लिए रहते। पापा पापा आपने ऐसा क्यों किया, पापा क्यों किया, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के क्यों चले गए। ऐसे दोस्तों मेरी तो स्टोरी इतनी ही थी। तो आप लोगों से एक ही विनती करूँगा, कभी अपने पापा को अलग मत करो। गुस्सा भले ही होते हैं लेकिन हमारे भले के लिए करते हैं, वो सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं।